So let us move to the use of passive voice. Passive voice ka kya use hai? That is the next. What is the use of passive voice? Jaisa maine shuru mein kaha ki passive voice ka upyog kab hota hai? Wahi use hi hai. Wahi batata hai ki iska use kya hai. Pehla to hum tab use karte hain passive voice jab humko malum nahi ki ye kisne kiya. Yani who is the actor? किससे ये काम हुआ, कौन किया, ये यदि हमको ना मालूम हो, यानी सब्जेक्ट यदि हमको नहीं मालूम हो, किसने ये काम किया ये नहीं मालूम हो, तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं. इज इट क्लियर? नॉर्मली उदाहरण के लिए, किसी ने पेन गिराया हमको नहीं मालूम, किसने गिराया हमको नहीं मालूम, तो हम पैसिव वॉइस में उस बात को बोलेंगे. सो नंबर वन पॉइंट, पैसिव वॉइस इज यूज्ड इन ए सिचुएशन वेयर वी डू नॉट नो और वी डोंट वांट टू नो द एक्टर हु हैज परफॉर्म द एक्शन. जिसने वह कार्य किया है वो हम नहीं जानते या हम जानना नहीं चाहते, तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं. यानी हमारे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता पैसिव वॉइस में यदि हम बोलते हैं तो, या हम पैसिव वॉइस में तब बोलते हैं जब मेरे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. राइट? दूसरा कब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस? इन द एंड ऑफ द क्लॉज और सेंटेंस, बाई लगा के, बी वाई बाई लगा के, सेंटेंस के आखिरी में बाई लगा के यूज करते हैं. वेरी क्लियर? बाई, बाई लगा के हम सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, बाई लगा के हम सब्जेक्ट डाल देते हैं. तो वाक्य या क्लॉज के अंत में, उपवाक्य या वाक्य, क्लॉज क्या है आगे हम पढ़ेंगे. अभी आप जान लें क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं. तो वाक्य या उपवाक्य के आखिरी में बाई लगा दिया जाता है. किस लिए? यदि हमको उसमें एक्टर का नाम डालना है तो, हु का उत्तर यदि हमको चाहिए तो आखिरी में बाई लगा दो. हु डिड दिस, किसने पेन गिराया, तो बाय राम, द पेन वॉज ब्रोकन बाय राम, द पेन वॉज लॉस्ट बाय राम, बाय और नाम. ये तो दूसरी चीज हो गई. तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और नाम में नहीं, आप समझ रहे हो? पैसिव वॉइस हम कब बनाते हैं या पैसिव वॉइस की शैली में हम कब बात करते हैं? तब जब हम किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? काम में, नाम में नहीं. हमारा फोकस किस पर है? एक्शन पर, एक्टर पर नहीं. सो इट इज़ यूज If we are interested in the job, then in the actor. Actor मतलब करता, doer. Is it clear? Let's go to the example now. हमने एक ऊपर sentence active voice में बनाया था. John wrote a letter. ये wrote यदि हम tense की बात करें तो कौन सा form आएगा? Second form, past. राइट? सो द लेटर, अब ये इसको दूसरे तरीके से बोला जाएगा. जॉन रोट ए लेटर, और अब मैं बोलता हूं द लेटर वॉज रिटन बाय जॉन, द लेटर वॉज रिटन बाय जॉन. सो हु रिसीव द एक्शन? एक्शन किसने पाया? लेटर ने. क्या एक्शन हुआ लेटर पर? लिखा गया, लिखने का एक्शन हुआ. क्या एक्शन हुआ? लिखने. व्हाट एक्शन? राइटिंग. एंड हु रिसीव दैट? हु ऑन हुम वाज इट एक्टेड? किस पर ये राइटिंग का एक्शन हुआ? लेटर पर. सो हु इज द रिसिपिएंट? हु इज द ऑब्जेक्ट? लेटर. एंड व्हाट इज द वर्ब? राइट. अब लेटर वाज रिटन बाय जॉन, मैंने बताया ना, बाय लगा के सब्जेक्ट को आखिरी में कर दो तो वो पैसिव वॉइस हो जाता. मैंने आपको बताया ना कि एक्शन को या कार्य को शुरू में लिख दो
तो आप ऊपर के सेंटेंस में देखिए, लेटर आखिरी में है, जॉन रोट ए लेटर, और दूसरे सेंटेंस में लेटर पहले आ गया, जॉन आखिरी में हो गया, दूसरा शब्दों में एक तरीके से क्रॉस हो गया, जॉन आखिरी में चले गया, लेटर शुरू में आ गया। सो इस प्रकार वी कैन से दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। और हम क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करना, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, लोगों का ध्यान एक्शन पे खींचना चाहते हैं, एक्शन हमारे लिए जब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब हम पैसिव यूज़ करते हैं, और एक्टर यदि इम्पॉर्टेंट है तब हम एक्टिव यूज़ करते हैं। एक्टर यदि नहीं मालूम हमें कौन है, किसने किया है नहीं मालूम, या उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम पैसिव यूज़ करते हैं, पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो लेटर रिसीव द एक्शन, दैट इज एक्शन इज राइटिंग। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कैसे पहचाने कि ये एक्टिव वॉइस है या ये पैसिव वॉइस है। बहुत सिंपल तरीका, पूछो जरा, हु और व्हाट, हु परफॉर्म दिस, व्हाट इज परफॉर्म। इफ हु और व्हाट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट इज एक्टिव। बड़ा सिंपल, इफ हु और व्हाट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट इज एक्टिव। हु परफॉर्म दिस एक्शन ऑफ ब्रेकिंग पेन, पेन को तोड़ने का कार्य किसने किया, राम ने। शुरू उत्तर क्या, राम, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट शुरू में है तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट शुरू में है तो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट शुरू में है तो पैसिव वॉइस। दूसरा तरीका क्या, हु और व्हाट इज एट द बिगिनिंग, एग्जाम्पल हम देख लें, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, देखिए क्या बनता है एग्जाम्पल, लेट अस सी द एन एग्जाम्पल फॉर दिस, एंड दैट इज जैक इज ईटिंग द एप्पल। सेंटेंस है जैक इज ईटिंग द एप्पल, यहां दी क्यों आया है, ए क्यों नहीं है, और क्या ए आना गलत है, यदि ए रहता तो क्या अंग्रेजी गलत थी, और दी का मतलब क्या है यहां पे, ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, लेकिन यहां पे भी मैं थोड़ा बता दूं, दी मतलब निश्चित, यही एप्पल, कोई दूसरा नहीं, जिस एप्पल की चर्चा हो चुकी वो एप्पल, जिस एप्पल के बारे में आपको मालूम है वो एप्पल। जैक इज ईटिंग दी एप्पल, या तो मैं लाया था वो एप्पल, या कोई किसी ने दिया था, या जो वहां रखा था, या उसका रंग अच्छा था, या बहुत अच्छी क्वालिटी का, जो वो वाला वो एप्पल जिसके बारे में पहले मालूम है, पहले से जिसके बारे में बात कर ली गई है, या जिसके बारे में जानकारी दे दी गई है, उस एप्पल की बात कर रहे हो यदि, तो उसी एप्पल की यदि बात कर रहे हो तो दी लगेगा, और या तो फिर, और अन्यथा आप किसी भी एप्पल की बात करोगे तो आप कहते हो जैक इज ईटिंग एन एप्पल, जैक एक एप्पल खा रहा है, और यहां पे बोला गया है जैक इज ईटिंग दी एप्पल, मतलब वो एप्पल जिसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी होगी। अंतर समझ गए, इसके बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में जैक इज ईटिंग दी एप्पल, क्वेश्चन क्या बनेगा, हु इज ईटिंग, और आंसर क्या होगा, जैक। अब यदि इसको हमको पैसिव बनाना है तो पैसिव कैसे बनेगा, एप्पल इज बीइंग ईटन बाय, आखिरी में बाय लग जाएगा, और शुरू में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिस पर एक्शन हुआ है, एक्शन किस पे हुआ, जैक पर हुआ है या एप्पल पर हुआ है, एक्शन किस पर हुआ है, कार्य किस पर हुआ है, कार्य हुआ है एप्पल पे, कार्य किया है जैक ने, तो जिस पे कार्य हुआ है वो शुरू में आ जाता है पैसिव वॉइस में।
कार्य किस पे हुआ? एप्पल पे. क्या कार्य हुआ? खाया गया. ईटिंग, ईट. वर्ब क्या है? ईट. किसके लिए है? एप्पल के लिए. तो ये शुरू में आ गया, तो ये पैसा. और आखिरी में क्या हो गया? बाई. बाई के बाद जो नाम आया वो सब्जेक्ट है, और बाई आने से आखिरी में सब्जेक्ट, बाई के बाद सब्जेक्ट आया, तो वो एक्टिव सेंटेंस हो गया. तो बहुत सरल है, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को अलग करना, राइट? अब ये तो हुआ एक्टिव और पैसिव. एक कदम हम और आगे बढ़ते हैं एक्टिव पैसिव जानने के बाद, मडाल पे. मडाल क्या है? मडाल वर्ब जो हैं वो विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, जो जो मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं उसे मडाल कहते हैं. मेन वर्ब क्या है? डू, गो, ईट, स्लीप, डांस, जंप, ये सब मेन वर्ब हैं. मेन वर्ब के साथ जो जुड़ते हैं वे कहलाते हैं मडाल. और कौन से हैं इसको भी हमने बता दिया. विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा, ये मडाल हैं. अब ऐसे सेंटेंस, इनमें हम मडाल को कैसे यूज करते हैं? एक्टिव पैसिव वॉइस यूजिंग मडाल, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि मडाल का उपयोग इसमें बहुत होता है और थोड़ा समझना होता है कि इनका उपयोग एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे करें. टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू मडाल, जिसमें मडाल हो, तो ऐसे वाक्य जिसमें मडाल है, आई मे गो. अब इसमें मडाल क्या है? मे. ये हो गया एक्टिव वॉइस, आई मे गो. अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? So to convert active voice having modal into passive voice, helping verb be is added after modal in the sentence. बड़ा clear rule है, याद रखिए. और याद रखें, practice से आ जाएगा. To convert active voice into passive voice, if active voice has modal, then use helping verb be after modal. Helping verb be after modal. Rules of active into passive conversion की हम बात कर रहे हैं, और उसी रूल के तहत ये जो एक रूल बताया modal को लेकर, तो आपने modal क्या है ये समझ लिया. They are like helping verbs. Can, could, will, would, shall, should, may, might. They are all modal. और इसका यदि active voice में modal है तो उसको कैसे उपयोग करते हैं, इसका ये rule आपने देख लिया. Rule of active to passive conversion. रूल फॉर एक्टिव टू पैसिव कन्वर्शन. इसके अलग अलग कुछ कैटेगरीज हैं. टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट डेफिनेट एंड ऑल दैट. सो नाउ वी मूव टू द गेम ऑफ कन्वर्शन ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस टू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें कि एक्टिव वॉइस के जो वाक्य हैं, एक्टिव वॉइस में जो वाक्य हैं और एक्टिव वॉइस में जो टेंस के अलग अलग फॉर्मेशन को लेकर वाक्य बने हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं. आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने टेंस फॉर्मेशन पर चर्चा की है. आई हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस,
tense formations. So based on that, now let's, assuming that you know the tense formations and so on and so forth, let us now learn how to convert active voice sentences into passive voice under different tense formations, under different categories of tense formation. Present tense, different categories, past tense, different categories, and so on and so forth. So let's start with that. You have this active voice, then you have passive voice. The first is simple present tense. In simple present tense, the sentence is, the grocer sells vegetable, fresh vegetable. Kya hai sentence? The grocer sells fresh vegetables. Grocer kisko bolte hain? Sabji bechne wale ko grocer kehte hain. बेचने वाले को ग्रोसर, ग्रोसरी यानी किराने का सामान, जहाँ किराने का सामान मिलता है, सब्जी आदि मिलती है, वो ग्रोसरी कहलाता है. तो ग्रोसर सेल्स फ्रेश वेजिटेबल. यहाँ सेल क्रिया है, उसमें एस क्यों लगा है? क्योंकि कर्ता जो है, जिसके लिए क्रिया का उपयोग हुआ है, वो सिंगुलर है. कर्ता जो है, जिसके लिए क्रिया लगी है, वह सिंगुलर है, तो इसलिए एस लगा हुआ. क्रिया में एस एक वचन में लगता है. एस का अर्थ बहुत नहीं होता. नाउन में जब लगता है तो एस का अर्थ बहुत होता है, पर क्रिया में नहीं. तो द ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल, ये तो हुआ एक्टिव वॉइस. कम सिंपल प्रेजेंट टेंस में. अब इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? फ्रेश वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय द ग्रोसर, राइट? फ्रेश वेजिटेबल. देखिए कैसे जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ गया, आखिरी में था फ्रेश वेजिटेबल, अब वो शुरू में आ गया. शुरू में था ग्रोसर, वो आखिरी में चला गया. बाय द ग्रोसर फ्रेश वेजिटेबल. तो सबसे पहले, जैसे ही एक्टिव को पैसिव में बदलना हो, सबसे पहले तो आप शुरू में ऑब्जेक्ट को ले आओ, आखिरी में बाय ग्रोसर करके सब्जेक्ट लिख दो, और उसके बाद बीच में आपको उसका कौन सा फॉर्म लगाना है? सिंपल फॉर्म लगाना है, आर सोल्ड बाय ग्रोसर. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? कंटिन्यूअस मतलब काम जारी है. सेंटेंस क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? माय बॉस इज गिविंग मैनी असाइनमेंट्स. क्या है सेंटेंस? माय बॉस इज गिविंग मैनी असाइनमेंट्स, राइट? अब इसका कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्म होगा? माय बॉस इज गिविंग मैनी असाइनमेंट्स. इसका पैसिव देखिए, शुरू में मैनी असाइनमेंट आ जाएगा, आखिरी में बाय हुम? बाय माय बॉस. तो मैनी असाइनमेंट्स आर बीइंग गिवन. बीइंग गिवन क्यों हुआ? क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, आईएनजी लगता है, वो कंटिन्यूअस में है. आपको और अच्छे से समझने के लिए टेंस के लेक्चर को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्टिव पैसिव को समझेंगे. तो मैं मान रहा हूँ कि आपने वो टेंस को देख लिया है, टेंस को समझ लिया है, और इसलिए अब यहाँ पे हम आ रहे हैं. कंटिन्यूअस है, रिमेंबर. कंटिन्यूअस में क्या होगा? आईएनजी लग जाएगा, आर बीइंग गिवन. और आर क्यों हुआ? इज बीइंग गिवन क्यों नहीं? क्योंकि असाइनमेंट है वो बहुवचन है. कार्य, असाइनमेंट यानी कार्य. बहुत सारे कार्य दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा? मेरे बॉस के द्वारा. सो बाय माय बॉस, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ वी कम टू दी प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या एग्जाम्पल है? परफेक्ट मतलब काम जिसमें पूरा हो जाता है. आई हैव टेकन हिम आउट. आई हैव टेकन हिम आउट. एक बार थोड़ा सा देखें कि हैव कौन सा फॉर्म है. वी वन फर्स्ट फॉर्म. टेकन कौन सा फॉर्म है वर्ब का? थर्ड फॉर्म.
टेक टुक टेकन यानी थर्ड फॉर्म वी थ्री जिसको हम लिखते हैं। अब ये परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म है, आई हैव टेकन हिम आउट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। सब्जेक्ट कौन है? हु? आई। अब इसको हम बदल दें, अदला बदली एक तरीके से कहते हैं, ही हैज बीन टेकन आउट, ही हैज बीन टेकन आउट बाय मी, ही हैज बीन टेकन आउट बाय मी। तो वो क्या सेंटेंस है? हैज बीन टेकन, ये कौन सा है? परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, ये याद रखिएगा, ही हैज बीन टेकन आउट बाय मी, राइट। ये तो एग्जाम्पल हुआ आपके प्रेजेंट के, प्रेजेंट टेंस में जो डिफरेंट फॉर्मेशन थे वो हुए। अब हम आते हैं पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस के भी वही उतने ही प्रकार हैं। पहला सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में एग्जाम्पल, ही बिल्ट ए लार्ज हाउस। बिल्ट कौन सा फॉर्म है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बिल्ट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वी टू। ही बिल्ट ए लार्ज हाउस, सिंपल फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। अब इसी को सिंपल पास्ट टेंस होते हुए उसको हमको पैसिव बनाना है। ए लार्ज हाउस वॉज बिल्ट बाय मी, ए लार्ज हाउस वॉज बिल्ट बाय मी। इस क्यों नहीं आएगा? इस बिल्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पास्ट टेंस है। सेंटेंस क्या है? ही बिल्ट, पास्ट। तो इस बिल्ट नहीं होगा क्योंकि इस तो प्रेजेंट का है, इस तो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है वॉज। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम लाएंगे वॉज बिल्ट बाय सो एंड सो। ही बिल्ट ए लार्ज हाउस, बिल्ट सेकंड फॉर्म। जब पैसिव करते हैं तो बिल्ट का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? वॉज बिल्ट ए लार्ज हाउस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर दैट वी कम टू द पास्ट। के बाद हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल एक हम ले लें तो कंटिन्यूअस है और पास्ट है। तो शी वॉज कुकिंग डिनर, शी वॉज कुकिंग डिनर, वॉज पास्ट वी टू, कुकिंग कंटिन्यूअस फॉर्म। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसको हमको पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में क्या होगा? डिनर वॉज बींग कुक्ड बाय मी, बाय हर। डिनर वॉज बींग कुक्ड बाय हर। शी का क्या हुआ? हर बन गया। देखिए ये है अंतर, शी का। इसको आगे हम थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे पर अभी आप जान लें कि शी का हर होगा और ही का हिम होगा, दे का देम होगा। आगे इसको हम एक चार्ट के रूप में थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो डिनर वॉज बींग कुक बाय हर, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट में क्या है? वी टू, वी थ्री, कौन सा? थ्री। शी हैड पोस्टेड द लेटर, क्या है सेंटेंस? शी हैड पोस्टेड द लेटर। ये पास्ट परफेक्ट क्यों है? हैड कौन सा है फॉर्म? हैड जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट वी टू, हैज का पास्ट हैड, पोस्टेड
पोस्ट पोस्टेड पोस्टेड ये तीन फॉर्म है। यहाँ पे पोस्टेड सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, कैसे जानेंगे? मैंने आपको बताया कि जब भी हेल्पिंग वर्ड के साथ मेन वर्ब है, जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब है तो मान के चलिए कि ये थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब कौन सा है? थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब चाहे हैड हो, हेल्पिंग वर्ब चाहे हैज हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि वर्ब है मेन वर्ब, या मेन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब है, तो वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? आंख बंद करके कह सकते हैं थर्ड फॉर्म। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, शी हैड पोस्टेड द लेटर। ये किस चीज़ का एग्जांपल हो गया? पास्ट परफेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? द लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय हर। मैंने बताया शी का हर हो जाता है और बाय हर हो गया। ये अभी पांच छह जो एग्जाम्पल हुए उसमें अंतर क्या दिख रहा है आपको? आप भी सोच रहे होंगे कि जबरदस्ती ये बोलने का तरीका, वही बात तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात, पर दोनों बातों को बोलने में अंतर क्या हो रहा है? इसको ध्यान दिया? हम जब बोल रहे हैं शी हैड पोस्टेड द लेटर, और जब हम बोलते हैं द लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय हर, दोनों में अंतर क्या है? अर्थ वही है कि एक लड़की है, उसने एक चिट्ठी पोस्ट की है। अंतर क्या है दोनों में? दोनों का अर्थ तो मिल गया कि एक लड़की ने चिट्ठी पोस्ट की है, पर अंतर क्या है? अंतर यह है कि एक्टिव वॉइस में हम शी पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, फोकस हमारा शी पर है, और पैसिव वॉइस में हमारा फोकस चिट्ठी पर है। चिट्ठी पोस्ट की गई है और कुछ नहीं, चिट्ठी पोस्ट की गई है। क्या पोस्ट हुआ? चिट्ठी। लड़की ने क्या किया है? चिट्ठी पोस्ट की है। ये क्या हुआ? पैसिव। किसने चिट्ठी पोस्ट की? लड़की ने चिट्ठी पोस्ट की। ये हुआ एक्टिव। लड़की ने चिट्ठी पोस्ट की, लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय हर, बाय ए गर्ल। ये हुआ एक्टिव। ये पैसिव हुआ, द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय ए गर्ल, ये पैसिव हुआ, और द गर्ल हैज पोस्टेड ए लेटर, ये एक्टिव हुआ। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? आई वॉन्ट डू फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के लिए हम बाद में फिर इसको करेंगे कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर टेंस है। एक तरीके से जो फ्यूचर टेंस जो होता है वो टेंस नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि ये एक्टिव पैसिव की बात हो रही है, हम एक नज़र फ्यूचर पे भी डाल लें। फ्यूचर में क्या होता है? विल रहता है, आई विल गिव यू ए प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? प्रेजेंट। रिसिपियंट कौन है? ऑब्जेक्ट। क्या है क्रिया? गिव। और सब्जेक्ट क्या है? आई। फ्यूचर क्यों है? क्योंकि विल लगा हुआ। आई विल गिव यू ए प्रेजेंट। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? बाय मी। आई का क्या हो गया? बाय मी। शी का क्या हो गया? बाय हर। ही का क्या हो गया? बाय हिम, राइट? और शुरू में ऑब्जेक्ट डालना है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट, ए प्रेजेंट विल बी गिवन बाय मी। आई विल गिव यू ए प्रेजेंट, और पैसिव हो गया ए प्रेजेंट विल बी गिवन बाय मी, राइट? तो एक्टिव पैसिव में हम बार बार इस बात को देख रहे हैं कि एक्टिव में ऑब्जेक्ट शुरू में रहता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, एक्टिव बाद में चला जाता है,
कर्ता बाद में चला जाता है। एक्टिव पैसिव में सुनने में अंतर बड़ा स्पष्ट है कि एक्टिव में फोकस कर्ता पे होता है, डूअर पे होता है, एक्टर पे होता है, जबकि पैसिव में सारा फोकस एक्शन पे होता है। जब हमको एक्शन पे जोर देना है तब हम करते हैं। एक्टिव वॉइस जो है वो डायरेक्ट लगता है, पैसिव वॉइस थोड़ा घुमावदार लगता है।